हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। टैरट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में वेलकम है आप लोगों का। ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। होप आप सब लोगों से मैच कर जाए, या अगर पूरी ना मैच करे तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, अगर रीडिंग आप तक आएगी तो ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए आज मेरे रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके लिए कार्ड निकालने और आपके पार्टनर के लिए कि करेंटली आपके लव सिनेरियो में आपके पार्टनर जो भी हैं, लव वन, क्रश, हस्बैंड, एक्स, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनको विजुलाइज कर लें, उनका नाम ले लें, उनको अपना अच्छा अच्छा सोचें। चलिए तीन कार्ड मैं आपके लिए लूंगी। मेरे व्यूअर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और पार्टनर के लिए। तीन कार्ड मैं आपके लिए लूंगी, एक, दो और ये तीन। ठीक है, तीन कार्ड ही मैं आपके पार्टनर के लिए लूंगी। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यू वेज देम टॉपिक है आज। ज़्यादा लंबी नहीं रीडिंग बन पाएगी क्योंकि मेरे फोन में ना फिर वही चीज़ होगी है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? इनके लिए मैं तीन ही कार्ड लूंगी। बॉटम का ले लेती हूँ, एक ही। देखिए इधर आपके लिए कार्ड्स यू और इधर आपके पार्टनर के लिए। वाह वाह वाह, देखिए नाइट ऑफ एयर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये पेज ऑफ अर्थ है। ठीक है, चलिए देखिए अगर तीनों को मिला के मैं साइन देखूं तो यहाँ पे साइन जो है एयर साइन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दो कार्ड आए हैं एयर्स के, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इधर ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वॉन्ट्स भी है एक कार्ड, तो वॉन्ट्स यहाँ पे फायर साइन भी, एरिस, लियो, सजिटेरियस, पेंटिकल भी है, अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो साइन तो सारे ही हो गए। ठीक है, वाटर नहीं नजर आ रहा, बॉटम में देखती हूँ कोई वाटर का, फोर ऑफ एयर, नहीं इधर भी एयर ही है, इधर भी एयर ही है, तो एयर साइन आज सिग्निफिकेंट है, दोनों के बॉटम में भी एयर साइन है। ठीक है, पहले हम आपके कार्ड्स जो है दिख रहे होंगे आपको कार्ड्स आपके, ये देखिए ये आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ एयर्स। देखिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का, दूसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तीसरा है पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ अर्थ। ठीक है, देखिए आप लोगों की जो मैं एनर्जी जो मैं देख पा रही हूं इस टाइम, आप इस टाइम ना बहुत ज्यादा जो है ना, इस टाइम के दौरान बीइंग अ टाइम, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अब आप ना बिल्कुल भी दिल से फैसले करने आपने बंद कर दिए, आप खुद में ही अपने आप में ये जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, डिटर्मेंट करना आ गया आपको चीजों को। ठीक है, और अपने आप को आप कोशिश करते हैं कि किस तरह मैं अपने आप को जो है, ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, कि अपने आप को मैं कैसे जो है किसी काम में लगाई रखूं, चीयरफुल रहूं, कोशिश करते हैं, चाहे कोशिश इतनी कामयाब अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन आप ये कोशिश कर रहे हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हुए पड़े हैं, बड़े डिटर्मिंड, बड़े मोटिवेटेड, इवन कि आपका मन करता है आप किसी दूसरे को भी ऐसा ही बनने की सलाह दें। इस टाइप से मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी जो है इस टाइम अपने अंदर जो है देख पा रही हूँ। ठीक है जी, और देखते हैं
आप, हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो है चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, देखिए ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग यू वर्स देम की है। अभी मैं पहले आपके कार्ड्स पढ़ रही हूँ। आप जो हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं और पैशनेट हो सकते हैं। बस थोड़े थोड़े अगर आप में एक कमी है ना कि आप या तो हद से ज़्यादा इमोशनल हैं या फिर आप कई बार अपने आप को बिल्कुल एग्जॉस्ट सा महसूस करते हैं, आप कई बार ना जैसे खुद से हार जाते हैं। यू हैव वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, यू आर वेरी पैशनेट पर्सन, यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, इंटेलेक्चुअल भी हैं आप, चीज़ों को आपको डिटरमिन भी करना आता है, ठीक है। तो आपकी ये एनर्जी जो है कई बार आपको, कई बार अपने दिल के कोने में ना, आप अपने अंदर के जो अंतर द्वंद से जो है कई बार आप उस चीज को लेके ना बड़े थोड़े दुखी से हो जाते हो, तो आपकी एनर्जी ये देख पा रही हूं मैं। लेकिन आप इस टाइम के दौरान अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल पा रहे हैं और आप जो है चीयरफुल भी हैं इस टाइम, मतलब होने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने आप को, जैसे ना एक, चाहे आप टैरट रीडिंग सुन सुन के, चाहे आप कैसे सुन सुन के, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मैंने इस रिश्ते के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आप चाहते हैं, लेकिन आप देखो, आप कितना भी आप अपने मन को कहो लेकिन आपका मन जरूर करता है कि मेरा पार्टनर मुझे मैसेज करे। आप बड़ी खुशी होती है आज भी, चाहे आप कितने भी प्रैक्टिकल हो गए हो, कितने भी इंटेलेक्चुअल, लेकिन आज भी वो इंसान का एक मैसेज आपके मुंह पे हंसी दे जाता है, ठीक है। अगर वो आपको एक मैसेज या कॉल कर दे तो आप अपने आप को बड़ा एक, आप में एक नई सी एनर्जी जो है आप में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, देखिए आप बार बार अपने पर्सन को स्टॉक भी करती हैं, ठीक है। इस टाइम मेरे व्यूअर्स जो है ना, या तो उनको कोई फाइनेंशियली कोई इश्यू हो सकता है, जो मैं देख पा रही हूँ, किसी फाइनेंशियली इश्यू से आप डील कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा तंगी है, लेकिन आपका कोई मसला ऐसा है फाइनेंशियली, मतलब आपको लग रहा है, और एक तो फाइनेंशियली मसला, एक आपको इस टाइम ये लग रहा है कि जो मैं ये नई शुरुआत, जो मैं इस इंसान से चाहती हूँ, चाहे मैं अपने आप को डाइवर्ट कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए वो अभी तक भी उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही। आप इस टाइम में भी अपने पर्सन से बात करना चाहती हैं, आप चाहती हैं उससे आपका इंटरेक्शन हो, आप लोग, आपकी एक पैशनेट जो है मीटिंग हो, एक पैशनेट बिगनिंग हो, एक पैशनेट, वो आपके लिए पैशनेट है, आप ये चाहती हैं कि हो, है या नहीं, लेकिन आप चाहती हैं कि वो आपके लिए पैशनेट हो। आपको, आपको, आप जैसे उसको स्टॉक करती हैं तो वो हो सकता है आपको भी स्टॉक कर रहा है। अब हम आ जाते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर मैरिड नहीं है तो कोई फीमेल फिगर, या तो इनकी फैमिली में कोई हो सकती हैं, या फिर मतलब इसकी लाइफ में जो आपका पर्सन है, मेल है फीमेल है, एक तो ये खुद जो है एम्प्रेस एनर्जी में आ रहा है, मतलब बड़ा गिविंग नर्चरिंग इस टाइम के दौरान, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई लेडी है जो थोड़ी डिफेंसिव है, डिफेंसिव क्या है, मतलब बड़ा होल्ड करके रखती हैं इनको, या तो इनकी बीवी हो सकती हैं या इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर बीवी नहीं है तो चलो जो भी इनका, आपको छोड़ के अगर उनके पास गए थे या कुछ भी कह लो, वो इनको बड़ा, यहाँ मुझे बीवी ही नजर आ रही है या फिर मदर है, ठीक है, मदर फिगर, कोई बुआ दादी कुछ भी है जो इनको बड़ा होल्ड में रखती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ से देखो सन का कार्ड आया है, अब ये इस रिश्ते को जो है एक एक स्टेबिलिटी देने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। कितना भी अगर ये मन में सोचे ना, दिमाग में लाए कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी ये अपने मन में जो है आपको सोचे बिना ये बंदा रह ही नहीं पा रहा, मतलब इसके लिए इस टाइम सबसे बड़ी खुशी आप है, आपका पर्सन,
आपको एम्प्रेस की एनर्जी, आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में आपको दिखता ही है, बड़े हाई रिगार्ड्स में देख रहा है, लेकिन इस दौरान ये इंसान आपसे डर भी रहा है क्योंकि इसको आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है इस टाइम के दौरान, ठीक है। तो थोड़ी इनसिक्योरिटी इसको जो है होती मुझे नजर आ रही है। और मैं पहले आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, सॉरी अब मैं दोनों के लिए कार्ड निकालूंगी। प्लीज डिवाइन मुझे और जो है ये तो होगी आप लोगों की करंट, अब तुम दोनों की जो आपके पार्टनर और आपकी, ठीक है मैं देखती हूँ क्या आता है। ये तो हो गया आपकी यू वेज देम, आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, वो आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, आपसे थोड़ा फियर भी है, या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी फिगर है जिनके ये प्रभाव में है जो बड़ा इन पे हुकूमत चलाती हैं, लेकिन ये जो इंसान है ना अब ये ठान चुका है आपके साथ आप इस रिश्ते को एक कमिटमेंट एक मुकाम तक लेके जाना, एक जो आपके साथ ही अपना भविष्य देख रहा है। और देखिए टाइम भी अकॉर्डिंग है, तभी जो है सन का कार्ड है इनकी तरफ से। आप जो है थोड़े होपलेस हो रहे हैं, आप होपलेस क्या हो रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी जो एनर्जी क्या है कि वो अपने आप को कोशिश तो कर रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल होके इस चीजों को सोचने की, लेकिन फिर भी अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी चाह रहे हैं कि उसकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आए, कोई प्रपोजल आए, कोई स्टार्टिंग हो, कुछ हो है। चलिए देखते हैं आप दोनों के लिए क्या भगवान जी हमें प्लीज डिवाइन और क्लियर कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर। ओके देखिए हर्मिट का कार्ड जो है वो यहाँ पे मुझे उल्टा मिला है, तो मैं उल्टा ही लूंगी क्योंकि इसको भी मैंने उल्टा ही पढ़ा है, इसको भी उल्टा ही पढ़ूंगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है या उनके पार्टनर की एनर्जी है, देखो चाहे वो हो चाहे कितना दिमाग लड़ाए कि ठीक है मुझे नहीं मैसेज करना, ठीक है मुझे नहीं, चलो डिवाइन को सरेंडर करता है, लेकिन वो भी सोच रहा आप भी सोच रहे हो, ठीक है। तो ये हर्मिट का कार्ड होता है एक वाइजली, लेकिन हर्मिट का कार्ड यहाँ रिवर्स आने का मतलब है कि इंसान जो है कुछ चीजें होती हैं चाहे वो कितना भी समझदार हो, लेकिन वो जो उसकी लाइफ में होके ही रहती हैं, वो इंटेलेक्चुअली डिसीजन नहीं ले पाता। यहाँ पे देख लीजिए एक भी कार्ड इमोशंस का नहीं आया, लेकिन कुछ चीजें बाय डेस्टिनी बाय जो उनके द्वारा हम एक पपेट की तरह नाचते रहते हैं। ओके दो कार्ड आ गए, देखिए टेन ऑफ वाटर टू ऑफ वाटर, और देखिए मैं कह रही थी ना यहाँ पे कोई वाटर का साइन नहीं आया, लो जी आ गया। ये है आपकी एनर्जी, बे इंतहा आप दोनों में प्यार है, चाह के भी वाइजली आप सोच ही नहीं पा रहे दोनों, दोनों ही कहते ना वो कान इस तरफ से पकड़ो या इस तरफ से पकड़ो, दोनों ही एक दूसरे को सोच रहे हो कि हमने साथ में फैमिली बनानी है, हम एक दूसरे का पार्ट है, हम सोलमेट्स हैं, क्योंकि आपको वो चीज महसूस हो रही है दोनों तरफों से। देखिए ना टू ऑफ कप्स, देखो इस कार्ड को ध्यान से देखो, इसमें कहां से लग रहा है कि किस किधर से प्यार कम है और किधर से ज्यादा है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमें सन का कार्ड मिल गया और यहाँ पे हमें मिल गया टेन ऑफ कप्स, तो ये जो मतलब जैसे कुदरत ने, और जैसे कहते हैं ना वो जिसको पाने के लिए है पूरी खुदाई जो है हमारा साथ देती है, जिसको हम पाने की इच्छा रखते हैं, तो वो वाली सिचुएशन जो है मुझे नजर आ रही है यहाँ पे कि कुदरत ने भी ठान लिया शायद आपको मिलाना, क्योंकि आपके जो एक दूसरे, देखिए कप्स का कोई कार्ड नहीं आया था लेकिन मैंने इन कार्ड्स को देख के बता दिया था कि चाहे आप कितने ही दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस टाइम इमोशंस इतने हाई हैं दोनों के कि दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक किए बिना नहीं रह रहे, एक दूसरे के बारे में सोचे बिना एक पल नहीं आपका निकल रहा। आप दोनों ही चाहते हैं कि हम बात करें, इन चीज़ों को क्लियर करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, एक दूसरे को कहीं बार बार स्टॉक कर रहे हैं कि दोनों सोच रहे हैं, इनसिक्योरिटी दोनों के मन में है। देखिए सिक्स ऑफ एयर सिक्स ऑफ शॉर्ड का कार्ड होता है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, दोनों ही इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन की एक टाइम की वेट कर रहे हैं, एक मूवमेंट की वेट कर रहे हैं कि कब जो है जो मतलब एक दिल में एक होप सी है कि कब जो है सिचुएशन जो है हमारे इस लव सिनेरियो के अकॉर्डिंग होगी
और कब जो चीजें हैं, कब जो ये हैप्पी फैमिली और जो ये टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी, हम कब जो है साथ होंगे। ओके देखिए, मैंने कहा था ना इनसिक्योरिटी, देखो कह रही थी ना कि आप भी स्टॉक कर रहे हो दूसरे को, एक वो और आपका पर्सन भी आपको स्टॉक कर रहा है, दोनों तरफ जो है इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा जो मुझे नजर आ रही है। आपने देखिए दोनों को ही इनसिक्योरिटी, आपको अपनी जगह, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो बड़े इंटेलेक्चुअल बनने की, बड़े इधर उधर चीजों में बिजी करने की, लेकिन फिर ले दे के वही सोच वही दिमाग में आ रही है, ठीक है। और दोनों ही तरफ से मुझे इनसिक्योरिटी, एक दूसरे को कहीं हम खो ना दें, वो चीज आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है, चाहे आप खुद को कितना भी समझाओ कि भाई पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, पता नहीं ऐसे हम कभी हमारी ये हैप्पी फैमिली होगी भी नहीं, कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आए, कभी मूवमेंट इस रिश्ते में आएगी या नहीं, जो पास्ट का आपका एक्सपीरियंस रहा है, जब अब भी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, देखिए आपके पार्टनर की तरफ से भी हैं और आपकी तरफ से ये हैं कि आप अगर एक इंसान तो डिसीजन नहीं ले सकता जब तक आपका पार्टनर भी साथ में नहीं होगा, ठीक है। बॉटम में आया है एम्परर, और वो भी रिवर्स नहीं आया, सीधा ही आया कि ये जो इंसान आपके लिए कितना भी पैशनेट है, चाहता है वो भी एक पेज ऑफ, लेकिन ये इमेच्योर पर्सन है। यहां से देखिए ये स्वॉर्ड, ये आपकी एनर्जी थी, मैं जैसा कि मैंने बोला ना कि यहाँ पे इसी कार्ड को देख के, नाइट ऑफ एयर को ही देख के मैंने बोला था कि चाहे जो है आप कितने ही ज्यादा जो है, सॉरी पेज नाइट ऑफ एयर आया था ना, नाइट ऑफ एयर का कार्ड होता है एक चीजें जल्दी से सॉर्ट आउट, चाहना कि जल्दी चीजें सॉल्व हो जाए, जल्दी हमारे में बातचीत हो, जल्दी हम मिलें, इस टाइप की एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है। इन आउट एनर्जी को भी दिखाता है। तो देखिए यहां से बॉटम में एम्परर का कार्ड आया है, तो अभी तक तो मेरे दिमाग में ही चल रहा था, लेकिन अब मैं फिर बोलने पे मजबूर हो जाऊंगी कि हो सकता है आप किसी मैरिड वन से डील कर रहे हैं, जो इंसान जो है यहाँ पे, जैसा कि मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को या तो इनकी बीवी है या इनकी जो आपको ये एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है, लेकिन उसका जो है बहुत रौब है घर में, या कैसे भी जो भी आपके पार्टनर की जो भी मदर है, मदर फिगर है, चाहे उनके बच्चों की मदर फिगर है, चाहे उनकी मदर फिगर है, या कोई भी बड़ी बूढ़ी जो है जिन्होंने काफी जो है ये जो है किसी के काबू में आने वाली नहीं है, तो लेकिन ये इंसान एम्परर में होते, एम्परर की एनर्जी में होते हुए भी ये इंसान जो है आपके साथ एक फैमिली, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा अब हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन में आ गया पेज ऑफ फायर के, चाहे ये इंसान इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबल है या जो भी है, लेकिन एक पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। प्लीज डिवाइन, देखिए इमोशंस का भी कार्ड आ गया, नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कैंसर पाइसेस और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। नाइट ऑफ वाटर, देखिए ये इंसान जो है प्यार से भरा हुआ आपके साथ, बड़ी असमंजस सी स्थिति है कि कुछ ना नजर आते हुए भी बहुत कुछ नजर आ रहा है। ये इंसान जो है आपको अपने इमोशंस शो करने की कोशिश कर रहा है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दुखी है ये इंसान, बहुत दुखी है, बहुत रेग्रेट है इसको, बहुत ही ज्यादा रेग्रेट है कि समय रहते मैंने इस रिश्ते को क्यों नहीं संभाला, एस ऑफ अर्थ, क्यों इमेच्योरिटी दिखाई। देख लीजिए तीनों कार्ड ही इकट्ठे आए हैं, जैसे आपको इनसिक्योरिटी है, आपसे भी ज्यादा इस इंसान को इनसिक्योरिटी है। किए थ्री ऑफ एयर, दिल टूटना, दुखी होने की एनर्जी दिखाता है। फाइव ऑफ वाटर, एक रेग्रेट, एक फॉरगिवनेस, एक जैसे कुछ ना नजर आना कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इस फाइव ऑफ वाटर का कार्ड देखिए, इधर दो कप भरे भी हैं,
लेकिन इस इंसान को नजर आ रहा है कि उसने अपनी इस लापरवाही एस ऑफ अर्थ की एनर्जी के कारण जो है इस रिश्ते को कहीं खो तो नहीं दिया। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी का कार्ड हमारे पास पहले ही आ चुका है। इमोशंस आप देख ही रहे हो, नाइट ऑफ वाटर, टेन ऑफ वाटर, टू ऑफ वाटर, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ गई है, एम्परर की एनर्जी भी आ गई है ये पर्सन की, कि ये कोई मैरिड भी हो सकता है, ये काफ़ी अथॉरिटिव फिगर है, डिसीजन भी आसानी से नहीं ले सकता, अगर ये मैरिड है तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए फिर भी हम एक इस रिश्ते के लिए मून ओरेकल से एक गाइडेंस के लिए कार्ड लेते हैं। आजकल मैं गाइडेंस के लिए मून और ओरेकल से ही कार्ड लेती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी इंट्यूशन। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस रिश्ते का, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर और उनके रिश्ते का, प्लीज उसके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। ओके, दो कार्ड आए हैं। अ पर्सनल इश्यूज रीच रिजोल्यूशन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए आपका ये जो इशू है ये रिजोल्व हो सकता है जल्दी से जल्दी। ठीक है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपने इस इंसान का या इसने आपका सपना देखा है एक दूसरे के साथ हैप्पी फैमिली का, जो कि टेन ऑफ कप्स हमारे पास कार्ड आ चुका है, एक सोलमेट का, एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक मूविंग ऑन का, एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया बसाने का, तो आप अपने ड्रीम्स में, आपको डिवाइन ये कह रहा है कि उसमें फेथ रखें। कुछ भी जो है एक पत्थर के ऊपर लिखा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है जी, तो ये थी आपकी नेक्स्ट एक्शन जो है आपका। नेक्स्ट एक्शन तो मुझे अभी नहीं नजर आया कोई भी नेक्स्ट एक्शन, मुझे सॉरी एस ऑफ अर्थ का एक्शन जो है मुझे नजर आया है। देखिए, और यहाँ पे जो आपके व्यूअर्स हैं आपके पास या आपके पर्सन के पास, कहीं से पैसा भी आया है, ठीक है, कुछ अचीव किया इन्होंने, नेक्स्ट एक्शन क्या है भगवान जी ये बताइए, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में। मुझे ये किसी व्यूअर्स ने ही कहा था कि यू वेज देम और नेक्स्ट एक्शन। देखिए स्टार, नेक्स्ट एक्शन में स्टार आ रहा है। अभी ये इंसान जैसे एक वही वाला एक चांद को छूने के मुताबिक, क्योंकि आपको ये बहुत अबंडेंट देख रहा है, स्टार फिगर देख रहा है, आप तक पहुंचने के लिए ये इंसान जो है जजमेंट दुआएं मांग रहा है, प्रेयर्स कर रहा है कि डिवाइन कोई मिरेकल करे ताकि ये आपको जो है पा सके। आपको देखना चाहता है ये इंसान, आपको मिलना चाहता है। देखिए अभी तक कोई भी ऐसा कार्ड मुझे नहीं दिखाया जिसमें फिजिकल लस्ट या कोई इस टाइप का, बहुत प्यारी नजर आया है। ठीक है, फिर भी भगवान जी एक और बताइए कुछ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस बंदे का। टेन ऑफ अर्थ, नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये अपनी आपके साथ आपको कोई फाइनेंशियली जो है कोई चीज, ये आपको फाइनेंशियली साउंड करने की सोच रहा है ये इंसान। फाइनेंशियली जैसे आपको कोई गिफ्ट, कोई पैसा से मदद करना, ये इस टाइप से जो इसका नेक्स्ट एक्शन है जो मैं देख पा रही हूँ, आपके साथ एक सिक्योरिटी देने की सोच रहा है आपको ये इंसान। देखिए जस्टिस देने की सोच रहा है आपको। देखिए जैसा कि एम्परर की एनर्जी है, ये तो मैरिड हो सकता है और जो इसकी जो भी स्पाउस है उनका काफ़ी कंट्रोल है, या स्पाउस है या मदर है, अगर मैरिड नहीं है तो मदर है या कोई मदर फिगर है उनका काफ़ी कंट्रोल है। तो अगर ये इंसान आपको एक सॉलिड कमिटमेंट ना दे सका, लेकिन आपको कुछ सिक्योरिटी और जस्टिस देने की ये इंसान जो है एक्शन के बारे में सोच रहा है, और ये किसने निर्णय बना लिया, तभी हमारे पास सन का कार्ड है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग।
होप आपसे मैच की होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप सोचते हैं जिसके लिए और किसी के लिए भी रीडिंग अगर वर्दी हो तो। ओके व्यूअर्स, बहुत सारा प्यार, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही जो है आप अपना सपोर्ट देते रहिए, ठीक है, और मैं भी आपके लिए रीडिंग बनाती रहूँ। यहाँ से मैं आपके पार्टनर का एक मैसेज लेना चाहूँगी कि आपके जो भी लव वन है आपको क्या जो है कहना चाहते हैं, ये क्या उनकी इंटेंस फीलिंग है आपको लेके। ओके, दे ऑलवेज प्रिटेंड दैट दे टेक यू एज ग्रांटेड। देखिए, ये इंसान जो है एम्परर एनर्जी में हमेशा प्रिटेंड करता रहा है कि इसको जो है कुछ ना बोलना, ये कार्ड ये बता रहा है, प्रिटेंड करता रहा है कि आपको ये फॉर ग्रांटेड ले रहा है, बैलेंसिंग। लेकिन अब ये बैलेंस जस्टिस देना चाहता है आपको, आपके साथ फैमिली देख रहा है, आपको सिक्योरिटी देना चाहता है, टेन ऑफ अर्थ जो सिक्योरिटी का कार्ड होता है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए डिवाइन को और हमेशा थैंकफुल रहिए। डेली भगवान को ग्रैटिट्यूड दीजिए, डेली थैंक्स बोलिए हर चीज़ के लिए जो आपके पास है।